फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं बैकग्राउंड से बोल रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों के सामने से आके हर एक चीज़ें टॉपिक कवर करती हूँ, बट सॉरी फॉर दैट, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से। और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, आप प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर से जो परेशान हो रहे हैं आज के डेट में, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करने वाला है। चलिए सब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है आंवला का पाउडर। आप कहीं से भी आंवला पाउडर लेकर आइए, आपको इजीली पंसारी के दुकान में मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। आंवला हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारे बाल है ना लंबे समय तक काले बने रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा आंवला का पाउडर, आपको पाउडर, आंवला का पाउडर, ये सारी जो चीज़ें मैं बताऊँगी बहुत ही यू नो वाइजली आपको चूज करना है कि आपका जो ये जो ऑयल बन के जब रेडी होगा ना, ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, रिवर्स करता है ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर को। और बहुत ही अच्छा, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ना, इसमें ये आपके सफ़ेद बालों को बचाएगा, सफ़ेद होने से बचाएगा बालों को। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तभी उसे वो रिवर्स करेगा। ये बहुत ही बेस्ट हेयर ऑयल बन के रेडी होने वाला है। देखिए, हमने ले लिया है 1 टी टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंवला पाउडर लिया है। मैं अभी नहाने से आधा घंटा पहले ही से यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं उतना ही बना रही हूँ। और ये है जटामासी का पाउडर। देखिए, पूरी डिबिया आप मेरी ख़त्म हो चुकी है। जैसे आप मुझे 6 महीने से अगर आप देख रहे हैं, तो मैं 6 महीने से लगातार अपने बालों के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जटामासी का पाउडर। जटामासी बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों को काला बनाने के लिए ना, बहुत ही बेस्ट होता है। तो बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कमेंट में कि जटामासी कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन मिल जाएगा, आप जटामासी टाइप करिए वहाँ मिल जाएगा। जटामासी को बाल छड़ भी कहा जाता है। अब बाल छड़ का पूरा आपको ऐसा रोवा मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। आंवला में मिक्स कर दीजिए जटामासी को, अच्छी तरह से इसे आपको मिक्स कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें जब हम ऑयल डालेंगे ना, मैं बताऊंगी आपको कौन सा ऑयल आपको डालना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको कलौंजी का तेल डालना है। कलौंजी आप सभी लोगों को पता है, जिसे ब्लैक सीड कहा जाता है, अपने हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी हेयर के लिए। ये देखिए, ऑल टाइप ऑफ हेयर है फ्रेंड्स। मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं हर एक चीज़ जो चुन चुन कर लेकर आती हूँ, नो पैराबिन है, नो केमिकल है, इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, आप देख सकते हो, सॉरी। और यहाँ पे हम इस ऑयल को रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो कलौंजी का तेल है ना, मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है। अब आप ये मत पूछिएगा कि कहाँ से मंगाया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में मैं जानकारी यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कलौंजी के तेल को, देखिए ये बहुत ही अच्छे से ड्रॉपर में भी आया है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और इस कलौंजी के तेल को मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी। तो यहाँ अभी तो पूरा ऑयल हमें और भी ऐड करना है, एक और ऑयल ऐड करूँगी मैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कम से कम 2 से 3 चम्मच तो इस कलौंजी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कलौंजी का तेल जो है वो उसे डाल दिया है, इसे ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। ये बराबर आपको दिखना रहा होगा, ये देखिए, ये मैंने ये मंगवाई थी, आपने मेरे ब्लॉग चैनल पे देखा है। और उसके बाद देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये काले फॉर्म में टर्न हो गया ना, ये बहुत ही मैजिकल वर्क करने वाला है। आप क्या करेंगे, इसे ना धूप में आप सूरज की रोशनी में भी छोड़ सकते हैं, बहुत सारा ऑयल बना के। इसके अंदर मैं कैस्टर ऑयल का यूज़ करने वाली हूँ। कलौंजी का तेल, कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, ये अरंडी का तेल इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और इसे भी मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको बाल, अगर आपके लंबे चाहिए, काले चाहिए लंबे समय तक के लिए, तो आपको बिल्कुल इसी तरह कैस्टर ऑयल आपको 1/2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग ही मिक्स करना है इस तरह से। ये जो ऑयल है देखिए, ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है आपका। अब आप बोलेंगे इसे लगाना कैसे है, तो लगाने का जो तरीका है ना, उसे आपको क्या करना है, अपने बालों पर जब भी आप नहाने जाएं, तब उस टाइम पे इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। नहाने से आधा घंटा रख दीजिए, इसे आप डेली भी कर सकते हैं। मेंस तो डेली बाल धोते हैं, अपने बालों को डेली यूज़ कर सकते हो, तो उनके बाल तो जल्दी से सफ़ेद भी नहीं होंगे, जो सफ़ेद हो चुके हैं वो तो रिवर्स भी हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का चीज़ है जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग है, अमेजिंग। आपने मैंने देखा होगा मेरे हस्बैंड के बाल, आज वो 40 इयर्स के एज में भी उनके बाल देखे इतने भी सफ़ेद हैं, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। नो केमिकल, कोई केमिकल हम अपने बालों पे लगाते नहीं है। एक बाल भी अगर कोई तोड़ के चेक करेगा तो उनको पता चल जाएगा, हाँ भाई ये तो केमिकल फ्री हेयर है।
क्योंकि हम केमिकल यूज नहीं करते, हम इन सारी घरेलू चीजों का यूज करते हैं और अपने चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहे। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा सा प्रोटीन डाइट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये बना के रेडी कर लेना है और अपने बालों पे इसे नहाने से आधा घंटा पहले लगा लीजिए। मेन्स एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। स्कैल्प में लगाइए, अच्छी तरह से एकदम रूट पे ना मसाज करते हुए इसे अप्लाई करिए। उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं हर्बल शैम्पू से, ऑर्गेनिक शैम्पू से, जो भी आपको पसंद है शैम्पू, बट वो हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक होना चाहिए, इतना आप जरूर ध्यान दीजिए। नेचुरल हर्बल शैम्पू भी बहुत ही अच्छे से क्लींस करते हैं हमारे हेयर को। मैंने आप लोगों को बताया है बहुत सारे चीज़ें जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, शैम्पू जो कि है ला ऑर्गेनो की, मैंने आप लोगों को बताया, वो भी बता दिया। अब मैंने जो जो ऑयल यूज़ किया है वो भी बता दिया है मैंने आप लोगों को। आंवला का पाउडर अच्छी क्वालिटी का लेकर आई है, बहुत ही अच्छा होता है, फाइनली होता है। मैंने तो ये जो आंवला पाउडर यूज़ किया ये बहुत ही बेस्ट है। इसी तरह से आपको बना के अपने बालों पे लगाना है, लंबे समय तक आपको ना अपने आपके बाल सफ़ेद होने से बच जाएंगे। बहुत से ऐसे कॉमेंट्स आता है बस एक दिन लगा लिया, पता नहीं मुझे बनाते हैं लगाते हैं कि नहीं, बट हाँ कॉमेंट जो है ना वो नेगेटिव करना बहुत शुरू कर देते। कभी यूज़ किया होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप इसका यूज नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? और आपके कमेंट्स तो आप खुद इसी तरह से परेशान रहेंगे, परेशानी की वजह से तो आपके बाल जल्दी से और सफेद होने वाले हैं। अगर आप इन सारी चीजों का यूज करेंगे बिना झिझके तो आराम से आपके बाल काले ही होते रहेंगे और काले ही रहेंगे। सफेद बाल जो हो चुके हैं ना, जितने बाल सफेद हो चुके हैं वो वहां पे स्टॉप कर देगा आपके सफेद बालों को, और वहां से जो आपके काले बाल है उन्हें तो वो प्रिवेंट कर ही रहा है। साथ ही साथ जो सफेद हो चुके हैं उसके आगे से आपके बालों को सफेद नहीं करेगा, और वो जो सफेद बाल है ना उसे भी वो रिवर्स करेगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। फीडबैक अगर आपको शेयर करना है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए, वहां वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @मुंबईकरबिंदु, वहां पे आइए अपने कमेंट्स करिए, वहां पे आप यूज करें लगा के वो प्रॉपर इमेज के साथ में मुझे पिक्चर दीजिए, तब जाके मुझे यकीन होगा। हाँ भाई, बहुत सारे नेगेटिव जो कमेंट्स आते हैं मैं उनका कोई रिप्लाई नहीं करने वाली, क्योंकि वो यूज करते ही नहीं है, बस खाली दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते। तो ऐसा मत करिए अपने बालों को। अगर आप चाहते हैं कि बाल मेरे अच्छे हों, मेरे बाल भी इतने जब स्टार्ट हो चुके थे तो मैंने तो दो चार बालों पे वर्क करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वैसे आपको भी मिलेगा। डाइट में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज बनाई है, अलग अलग वीडियोज बनाई है, जो आपको अच्छी लगती है उसमें से आप चूज कर सकते हो कि आप अपने बालों पर क्या लगाएं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। और वैसे तो मेरा काम है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ की नॉलेज देती रहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। मेरे जो सब्सक्राइबर है जो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं उनके कमेंट्स। सो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, मुंबईकर बिंदु को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स से, ये आपके ही लिए है। अगर आप लाइक देंगे तो ये आपके वीडियो लाइब्रेरी में शो करेगा, आप मेरी वीडियो कभी भी चेक कर सकते हैं, लाइक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय करिए इस रेसिपी को अपने बालों पे लगा के, बालों को सफेद होने से आज से ही बचा सकते हैं आप।